सो गाइस हमारे साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो गया है। ऑफलाइन गुंडे चाहे कैसे भी हो, हमने भी बहुत देखे। फोन कैसे बंद कर सकता है भाई, तो एक लड़का और एक लड़की यहाँ पे इतनी दूर आ रखे तेरे भरोसे। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना बम गौरव जोन। तो भाई आज अपन शिवाकाशी में थे और आपने इतने सारे ब्लॉग देख लिए होंगे शिवाकाशी। मुझे उम्मीद है आपको पूरा शिवाकाशी पटाके समझ आ गए होंगे, पूरा केरला आधा से आधा अपन ने कंप्लीट कर चुका है वो समझ आ गया होगा। अब अपन जा रहे हैं रामेश्वरम, फिर रामेश्वरम एक दो दिन रहेंगे, धनुषकोडी जाएंगे श्रीलंका के बिल्कुल पास जाके, फिर वहां से त्रिवेंद्रम होते हुए अपना कोची जाएंगे, कोची से गाड़ी वापस करेंगे, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाएंगे। तो मात्र 6-7 दिन का टूर और रह गया है, तो भाई पूरे ब्लॉग ध्यान से देखना। तो भाई ये कल हम इस अरुण लॉन्ज में रुके थे भाई, 1100 रुपये एक बंदे का चार्जेस हैं भाई इसमें एक बंदे के लिए एसी रूम, तो भाई बहुत सस्ता है यहाँ पे शिवाकाशी में। कैसे हो? चलो आओ जल्दी आओ, नीचे निकलना है। अच्छा तो भाई हमारी गाड़ी ये रही, तो इसमें जाने वाले हैं, साफ सुथरी कर ली अपन ने यहाँ पे। भाई होटल में मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पे ना रूम अगर आप रात को 9 बजे भी आते हो ना, तो आपको रूम ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली में कि सुबह 10 बजे खाली करना है, चाहे आप रात को 9 बजे आओ चाहे 1 बजे, यहाँ 24 घंटे के हिसाब से होता है। आप रात को 12 बजे भी आओगे ना, तो आप अगले दिन के 12 बजे तक चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा यहाँ भाई पक्का बिल देते हैं, बिना बिल का तो कुछ काम ही नहीं है भाई केरला में। भाई अभी अपन ने चेकआउट कर लिया, यहाँ के लोग भाई बड़े अजीब से साइको से मैंने देखा भाई। अब जैसे 44 रुपीज़ मेरे पे आए, तो भाई 50 का नोट दे गए थे 6 रुपये दो, अब मैं 6 रुपये कहाँ से लाऊँ तू दे, फिर इसने वापस लिए। अब 10 मिनट इसी पे लगा देगा, 4 रुपये खुले ढूंढने में। मतलब अजीब ही है यार, इतना फालतू टाइम खराब करता है। ये देखो आगे 4 रुपये खुले, 10 मिनट की लगा के इन 4 रुपये के चक्कर में तुम्हारी कसम, ये भी अट गया मैं भी अट गया, मैंने अटा भाई साले। चलो जी 4 घंटे का रास्ता यहाँ से, 4.5 घंटे का, अपन तो खाते पीते जाएंगे, 6 घंटे में पहुंचे। ये तो है भाई 2 बज गए भाई, 12 बजे सो के उठा भाई मैं, फिर काम करने लग गया, तो यही है। बाकी गाड़ी में देखो चड्डी बनियान सुखा रखी है मैंने अपने, ये देखो वहाँ पे भाई मेरे कपड़े ही खत्म हो गए थे भाई, ये देखो चारों तरफ। यार सॉरी यार थोड़ा मैनेज कर लो, समझो कपड़े नहीं है मेरे पे, क्या पहनूंगा, 0 फक्स गिवन भाई साहब। अन्ना क्या बोलूं यार इन्हें, इनमें ना भाई इरिटेट हो गया मैं यहाँ रह के, यहाँ के लोग ना कुछ ज्यादा ही सीधे हैं। भाई रामेश्वरम जाने से पहले अपन कुछ पेट पूजा करेंगे, यहाँ बस एक ही रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है वो जो कि है ये पूरे उसमें फेमस है, बस स्टैंड ये मेरे राइट में, इसके जस्ट सामने मिल जाएगा आप। तो ये खाने वाले अपन आज, कैसा भाई बढ़िया ओके। तो भाई ये अपनी आ गई है मील, 110 रुपए की मील है, जिसमें अपने को ये पूरे 2-3 तरीके की सांभर और ये चटनी और ये सब मिलता है भाई, ठीक है निपटाते हैं। मनीषा तो अपने चावल खा रही है क्योंकि मनीषा साउथ इंडियन खा के थक गई थी। बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो डीजल डलवा रहे हैं क्योंकि मेरा अभी तक लग चुका है भाई। मैंने गाड़ी ली थी 5000 रुपए, 1000 किलोमीटर चल गई है मेरी गाड़ी और 6000 रुपए का डीजल तो मैं डलवा, 13 की एवरेज दे रही है कहीं कहीं। तो भाई आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डीजल कितना, यहाँ डीजल बहुत महंगा है भाई, और यहाँ पे चलती है भाई डबल डेकर बस, देखो ऊपर नीचे। तो ये देखो डीजल है यहाँ पे 93.5 रुपीज, दिल्ली में जो 87 रुपीज का भाई, यहाँ बहुत महंगा डीजल है। ये देखो भाई फुल उड़ाते हुए जा रहा है गत्ते। बेशर्मी की हद दिखाओ। कच्चा सूत्र, ये देखो ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कच्चा सूत्र है, ये कच्चा सूत्र है भाई। चक्कर क्या है ऐसे जल्दी सूख जाएगा, ऐसे मेरे को लग रहा पूरे दिन नहीं सूखेंगे, 5-5-6 चक्कर अच्छे सूख रहे हैं, एक एक करके 10-10 मिनट भी मैंने ऐसे सुखा दिया ना, 15 मिनट में सब सूख जाएंगे भाई। इससे अच्छा तो गंदे ही पहन लेते, अभी भी तो गंदे ही हो रहे हैं। क्या गंदा हो रहा है, हवा में सूख रहा है, मिट्टी नहीं लग रही। मिट्टी क्या, मिट्टी तो क्या है, क्या दिक्कत है, मिट्टी तो वैसे भी घर पे सुखाते तब भी आ जाती। और ये सूख रहा, वहाँ सूख रहे, ये सूख रहे कपड़े। बेसिकली क्या है ट्रैवलिंग में मैं ना 5-6 जोड़ी ले आता हूँ, उनको धो के दोबारा पहन लेता हूँ, क्योंकि 10 जोड़ी की जगह 5 जोड़ी ले आओ, 5 जोड़ी को धो के दोबारा यूज कर लो, क्योंकि 10 जोड़ी का वजन दुगना हो जाता है। और ट्रैवलिंग में क्या है थोड़ा लाइट वेट पसंद। ये देखो छोटे छोटे गाँव में से निकल के जा रहा है रामेश्वरम का रास्ता, और लूना बहुत चलती है। ये देखो आंटी अभी स्कूटी चलाती है, यहाँ अभी साला वही बनना है, यहाँ का खाना मेरे ख्याल से पकोड़े खा के, यहाँ ना भाई मोस्टली पकोड़े मिलेंगे आपको, एक परौंठा मिलेगा मोटा सा और डोसा, डोसा खा खा के थकते नहीं है, डोसा ही खाते हैं सुबह डोसा, रात को डोसा डोसे की छोड़ो। अभी जंगल भरा रास्ता पूरा चालू हो गया है यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ बस भाई भेड़ बकरी और जंगल यही।
मैंने चड्डी सुधार की है, लोग सोच रहे हैं ये फीमेल वाली चड्डी है क्योंकि मैं वैसे पहनता हूँ ना फ्रेंची भाई, यहाँ अलग ही सीन है। अच्छा रामेश्वरम बहुत लोगों ने सुना होगा और हम भी रामेश्वरम जा रहे हैं, बट रामेश्वरम की हिस्ट्री क्या है ये अपने को बताएंगे। रामेश्वरम तमिलनाडु में छोटा सा द्वीप है जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत उसकी वो क्या होता है इम्पोर्टेंस। भाई रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप है और ये भाई चार धामों में से एक धाम है भाई, और ये इसमें ना भाई तो भाई बेसिकली क्या है, जब राम जी वापस आए ना सीता जी को लेके तो उनको उनके हाथ में वो लगी थी क्या कहते हैं ब्राह्मण हत्या, तो वो उसका प्राश्चित करना चाहते थे शिव जी से, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला, राम जी ने हनुमान जी को बोला कैलाश से वो लेके आने को शिवलिंग लेके आने को, तो भाई सीता जी ने जो शिवलिंग बनाया उसको रामलिंगम बोलते हैं और हनुमान जी जो लेके आए उसको बोलते हैं विश्वलिंगम, तो उसकी पूजा आज भी होती है और विश्वलिंगम की पूजा पहले होती है रामलिंगम से, तो अब ये चीज है। तो जाके देखते हैं भाई कैसा धाम है, भाई मेरे धीरे धीरे सारे धाम कवर हो रहे हैं। तो भाई पूरा सन्नाटा है और ये कोई हाईवे नहीं है यहाँ का जाने का रास्ता, ये ऐसे अंदर अंदर से शिवाकाशी, अब दूसरी साइड से हो सकता है हाईवे हो। तो भाई बस चलते ही जा रहे हैं, गाड़ी में गाने सुनते हैं, ये इनकी बस्ती सी है और क्या मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे छोटे छोटे गाँव से पड़ रहे क्योंकि हम हाईवे से जा नहीं रहे, तो साला खाने पीने का रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, गांव बस्ती में बस ये छोटी मोटी चाय नुक्कड़ की दुकान है ना। सब प्रॉब्लम है, जायरा लेके जा रहा है, बड़ा गर्म नहीं है, ठंडा, सब ठंडा बकवास है यार ये वाला है ना। भाई अभी अपन रुके हैं एक स्टेशन से, ये मतलब रिफ्रेशमेंट सेंटर सा है, तो यहाँ ये पूरा हाईवे रामेश्वरम जाने का, ये देखो मनीषा भी गाड़ी में बैठी है, तो ये देखो अन्ना ही अधर पड़ा है पूरा, यहाँ सारे साउथ इंडियंस हैं भाई और ऐसे देख रहे हैं मेरे को जैसे पता नहीं क्या। तो अभी चाय मैंने बोल दिया, यहाँ चाय के सेंटर होता है अलग और पकोड़े का सेंटर, पकोड़ा तो अब तो तुम्हें भी रट गया वो, हाँ भाई साहब यही हाँ डालो पीने की, यहाँ ये डाल गया भाई। चाय चल रही है अभी ना, आंधी आ रही है बहुत जोर से, मजा आ गया। ये अन्ना की लुंगी फुंगी सब उड़ रही है भाई, ये देखो अब बादल पूरा ऑरेंज ऑरेंज सा हो रहा है, तो अपनी गाड़ी हरी मनीषा अंदर बैठी बेचारी शॉर्ट ड्रेस पहन के आई है, उसकी ड्रेस उड़ रही है, हाँ ड्रेस उड़ रही है तुम्हारी आवाज से, तो भाई सारे अन्ना पागल हो गए, एक तो इतना गोरा आदमी नहीं देगा है भाई, फिर मैंने कहा भाई तुम गाड़ी में बैठो बाहर आना ट्रेन का भी लॉन्च का भी तो गाइस अभी पुल की मरम्मत चल रही है, बहुत फेमस ब्रिज है जो आपने गूगल पे और हर यूट्यूब वीडियो में ऑलमोस्ट देखा होगा, जितने भी ट्रेन लवर हैं भाई इस ब्रिज पे जरूर आते हैं ट्रेन में एक्सपीरियंस करने। तो ये एक समुद्र पे एक ब्रिज जा रहा है और ये क्या जा रही है ट्रेन, अपन भी लगाएंगे गाड़ी लगा ये बात सही है भाई साहब, नमाज चल रही है अभी उधर, ये देखो और समुद्र में छोटी छोटी लाइटें चल रही हैं, पता नहीं किसमें बोट में किसमें, अपन आ गए हैं रामेश्वरम। सो गाइस हमारे साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो गया है, जिससे अपन ने पैकेज लिया था ना भाई, तो वो बंदा फोन उठाना बंद कर रहा है, बेसिकली क्या है उसने बहुत तगड़ा स्कैम कर दिया, मैं आपको बताऊंगा होटल में बैठ के क्या क्या करा, अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है, बुकिंग ही नहीं करा रहा है हमारी, फिर कह रहा है यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, और हम जाते हैं व्लॉग बनाने के बाद साला होटल में बुकिंग ही नहीं हुई होती, फिर 10 फोन करते हैं उसको, फिर वो उठाता है नहीं उठाता, फिर बुकिंग डालता है, फिर चेकआउट के टाइम पे पैसे ही नहीं भेजता उसे होटल वाले को, फिर हम दो दो घंटे चेकआउट पे बैठे रहते पैसे ही नहीं आते, अब फोन उठाना बंद कर दिया, हम रामेश्वरम पहुंच गए, करना मनीषा उस ट्रेवल एजेंट को, ये फ्लूटो करके जिसका मैं प्रमोशन कर रहा था ना वो है, ये उनकी हरकत देख लो हमसे ही, आम आदमी के साथ तो क्या करेंगे, ये देखो ऊपर करना ऊपर, ये देख लो फोन ही उठाना बंद, ये एक इन्फ्लुएंसर गौरव जोन के साथ ऐसा कर रहा है, तो एक आम आदमी के साथ क्या करेगा ये, मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ भाई, ये देख लो मनीषा बार बार ही कॉल कर रही है, और इस बंदे ने बोला था कि मैं आप पहुंच जाना आपकी बुकिंग है स्टे, अब फोन उठाना बंद, अब कहाँ भटकेंगे भाई, ये तरीका ठीक होता है क्या यार, या चार कॉल या तीन कॉल या तीन कॉल। ये संजीव करके है, ये प्लूटो में मैनेजर है क्या, ये ओनर है प्लूटो का, ये देख लो भाई ओनर की हाल है भाई, ये देखो नंबर है भाई इसका 93, ये भाई इस बंदे को कॉल करना और बोलना भाई फ्रॉड कंपनी है टोटली फ्रॉड। तो भाई जो टूर एंड ट्रेवल वाला मेरे साथ मक्कारी कर रहा है ना, फोन नहीं उठा रहा पैसे लेके और पैकेज नहीं दे रहा पूरा, अब मैंने आकाश को बोला है, मैंने आकाश तू साफ बोल गौरव जोन का वीडियो देगी उससे आपका पैकेज लेना है मेरे को, और मैं लाइन पे हूँ, सोई मैं बोल पड़ूंगा जैसे वो बोलेगा ना हाँ पैकेज इतने का, सोई मैं इसकी आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस
अरे डेट भैया, जो डेट आपने हमें दे रखी है हमारा तो पूरा करा नहीं रहे यार, कस्टमरों को पूरा करा रहे हो, गौरव से बोल रहा हूँ भाई। संजीव जी फोन उठाना बंद कर दिया क्या? इस तरह से काम तो सर आप ये बहुत गलत कर रहे हो, जब मेरे साथ ही ऐसे कर रहे हो ट्रैवल और लोगों के साथ क्या करोगे, ये सब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग। भाई साहब आप ये जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, हमारा फोन नहीं उठा रहे, कस्टमरों को उठा रहे हो, सब यूट्यूब पे चल रहा है आपका, ये डालूंगा मैं ये कस्टमर के साथ, आप ऐसे करते हो आप, मतलब 1000-2000 के मारे। एक बात बताओ भाई साहब, 1000-2000 की बात नहीं है, एक इंसानियत की बात है। आपने केरला भेज दिया एक कपल को और फिर बीच में फोन उठाना बंद, और 2000 रुपए के रूम के मारे, 5000 रुपए के रूम के मारे। हाँ जो चीज कमिटमेंट की है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, नहीं हो तो बोलना भाई साहब। वैसे तो आप इतने प्रोफेशनल बनते हो, आपने मेरे को मेल करी आपने है? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपने मेरे को मेल करी कि आपने ये चीज डिलीवरेबल्स है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। क्या भेजा है दिखाना मेरे को, भेजना कौन सी मेल आईडी पे भेजा है जी? सर जी आप प्रोफेशनल नहीं हो, हम प्रोफेशनल हैं और पूरा यूट्यूब देखेगा आपका क्या कर रहे हो, अभी जो फ्रॉड कर रहे हो ना सर, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी यार आपसे कर लीजिए ना, तो इतना हुआ वो भी देखो यूट्यूबर है परेशान हो रहे हैं। हाँ यार आधे रास्ते में ऐसे कर रहे हो। हाँ जी धमकी नहीं है भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप हमारे को नहीं छोड़ रहे, आप कस्टमर को साथ क्या करोगे, फोन उठाना बंद कर दोगे तो ऐसे चलेगा क्या? मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुन लो, हाँ यूट्यूबरों वाली धमकी तो मेरे को बहुत बात। अच्छा बहुत देखते हो आप, रही बात करने की, भाई साहब आपने देखे होंगे 1000-2000 वाले, 5 मिलियन वाले नहीं देखे होंगे। हाँ जी भाई, भाई साहब आप सामने से आके मिल लेना, आप कुछ भी मिल लेना, गौरव जोन नाम है भाई साहब। सुनो ऑफलाइन गुंडे चाहे कैसे भी हो, हमने भी बहुत देखे। क्या दुनिया क्या करती है, तेरी बढ़िया, तेरी तो पुलिस FIR करूंगा, कब उसके साथ ऐसे करता है तू, कस्टमर है लाके दू तू। अबे शॉर्ट करने है, मूड में नहीं है, फोन नहीं उठा रहा बीच में, ये कंपनी चला रही है काश, ये प्रोफेशनल है। अरे बता मेरी काट ले तू। हेलो हाँ जी मेरे भाई, सर बताइए कह रहा था ना कर दूंगा रामेश्वरम का, टाइम दिया है आपको, मेरी बात तो सुनो जी, मैं कह रहा हूँ कि देखो जो अब वो क्या है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, देखो वो ट्रैवल कर रहे हैं वो लड़की के साथ है, समझ रहे हो, और 36 चीजें होती है आप भी जानते हो, अगर फैमिली के साथ होते अगर लड़की के साथ है, अगर उनको नई चीजें समझ में आ रही, मेरे को उसका चीजें समझ में नहीं आएगी भाई साहब, तो तुमने वीडियो बनाई है वो मेरे को समझ में नहीं आया। इसका ये निकलता है कि आप उनको बोलो कि भाई जो भी आप वीडियो डाल रहे हो वो मेरे तरीके से बनाओ, या आप उनसे एक्स्ट्रा शाउट आउट ले लो, इसके बिहार कोई बात नहीं भाई, पर हम वो दिल्ली के नहीं है हम भाई, हाई पर वो 4:40 सुनाएगा भाई, वो बिहारी जा रही है तो 4:40 सुनाएगा कि हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठा था, तो मैं इतना बदतमीज आदमी नहीं हूँ, मैं उतना बदतमीज आदमी नहीं है, चीजों को हैंडल करनी आती है, ठीक है ना, वो मीठी चोरी है और है ना, सब कुछ झूठ बोल रही है आकाश को, ये लड़की ना, मैं इस लड़की को पैसे दिए तो तो गाइस ये जिस चीज की बात कर रहा है पैसे की, तो मैं बता दूं मैंने इसकी ऑलरेडी 6 से 7 प्रमोशन कर दिए हैं, और अब ये पैसे ही वापस मांग रहा है, प्रमोशन भी करा लिया और हमें बीच में छोड़ भी दिया, ये वो वाली बात चल रही है।
तब मैं कहाँ से इसके पैसे वापस करूँ, इसने 6-6 बारी मेरे से प्रमोशन भी ले लिया, आपने देखा होगा अब तक सीरीज में। सही में बहुत सुंदर है यार भाई, ये देखो भाई क्या सुंदर लहरें ही लहरें हैं मनीषा, ये देखना लोग यहाँ बैठे हैं, हवा में बहुत तेज आंधी चल रही है पीछे ऐसी, हाँ बैठे हैं बीच से हैं, ये देखो भाई। तो अभी हम रामेश्वरम पहुँच गए हैं, तो यार पोपट हो गया भाई, अभी होटलों में फ़ोन घुमा रही है भाई, होटलों में फ़ोन घुमा भाई, तुम्हारी कसम मेरे को ही टकराते हैं भाई, परेशान हो गया मैं ऐसे फ्रॉड होटल वालों से भाई, बच के रहें मैं तो भाई, गलत कहाँ कहाँ से पता है क्या प्रमोशन यूट्यूब पे, हम इसलिए पहले खुद टेस्ट करते हैं कि भाई मैंने, तू पहले मेरे को पैकेज दे, अगर तेरा पैकेज ठीक निकला, तू बंदा ठीक निकला तो हम औरों को रिकमेंड करेंगे, वो तो अच्छा भी ट्रिप पूरी नहीं हुई, अभी असलियत ही पूरी आ गई इस बंदे की, जो मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, जो प्रमोशन कर रहा है उसके धंधे को आगे बढ़ा रहा है, वो उसी को नहीं छोड़ रहा, तो तुम्हें क्या घंटा छोड़ेगा, जा रहा है कुछ भगवान जी का है ना। ऊपर नींबू है और ये कोई सब्जी वब्जी है, पता नहीं पत्ते हैं। माता जी जा रही है, सजाती है इनको, साड़ी पहनाते हैं बहुत सुंदर, इनका पूरा श्रृंगार करते हैं हाथ में। भाई तुम्हारी कसम, लोग कहते हैं ना भाई साउथ इंडियन लोग बहुत स्वीट होते हैं, भाई एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बुरा जा रहा है, इतने क्या ही बोलूं, एक तो है टैक्सी बस वाले इतने हरामी है ना, चुपचाप जाके मुंह पे बोलेंगे नहीं, चुपचाप जाके पुलिस वाले, सर सर वो गाड़ी यहाँ आ गई, ये वो गाड़ी वहाँ खड़ी है, पुलिस वाले को भेज दिया, पुलिस वाला मेरे पीछे भाई ये न्यूयॉर्क पार्किंग में घुसेड़ दिया, अरे मैंने भैया मेरे को क्या पता, पहली बार आया हूँ, फिर मैं होटल में गया रूम देखने, वो कह रहा है पैसे दो, मैंने रूम तो दिखा दे, कह रहा इतना टाइम नहीं है, मैंने तू कहना आपका चे दो रूम लो, हम नहीं दिखाएगा रूम, हम नहीं दिखाता पॉलिसी है, मैंने पॉलिसी दिखा, तेरी पॉलिसी मैं पढ़ूं, फिर कह रहा नहीं मुंह से बोल दी मैंने पॉलिसी, अरे ये देखो यार कहाँ घुसे कहाँ। तो भाई ये अपना खाना है अभी, ये पनीर की सब्जी 170 रुपए की, बाकी ये 3 आइटम अपने को 80 रुपए में पड़ गए, मैंने 2 ऐसी थाली ले लेती 80-80 की, 160 में काम हो जाता है, 170 का तो पनीर ही पड़ गया, रोड पे आदमी पैसे बच गए, मैं तो इससे कह रहा था भाई दो वड़े तू खा बाहर, दो वड़े मैं खाता हूँ 40 रुपए में, 5 रुपए एक वड़ा मिलता, 30-40 रुपए में बढ़िया पेट मिलता, अभी 400-500 रुपए बिल बनवा देगी मेरा, पैसे तुम पे करोगी इसके, मैं पे करके आ रही हूं इससे। ओहो तो रोड पे खाने की आदत, मेरे को और पैसे नहीं, मैं लड़कियों कुछ हो सकता है, यहाँ पर परोंठा ऐसा होता है पतला सा कागज जैसा, वो भी आधा सिका हुआ है ना, कच्चा है ना, ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, मशरूम डालोगे, गुरमा खुरमा बोलते हैं इसको, जिसमें वेजिटेबल है बस पानी ज्यादा डाल दिया, और ये यहाँ पे बटर ना वो है पनीर बटर मसाला ही। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, यहाँ ना हर चीज पत्ते में देते हैं, ये देखो पत्ते में खाना चल रहा है, मनीषा तो चली गई, वो कहाँ चली गई कैसे चली गई वो कल वाले व्लॉग में बताऊंगा आपको, उसकी डिटेल निकाल के वो कहाँ तक पहुंच गई, मेरा फोन नहीं उठा रही, दोस्तों से फोन कराऊंगा, तो कल वाला व्लॉग जरूर देखना, कल पटाखों की फैक्ट्री में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा शिवा काशी का कैसे पटाखे मिलते हैं कैसे बनते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, टिल देन बाय टेक केयर भाई, 5 मिलियन के बहुत करीब है, त्रिबुला है ये भाई पटाखे फोड़ रहा भाई अन्ना, ये कैसे हो तेरी, कुछ ना कुछ फेस्टिवल तो जरूर है यहाँ पे, तो ये देखो भाई सोने की चेन वेन पहन के भाई बढ़िया डांस वांस चल रहा है, करोगी डांस तुम, नहीं पा रहा, लुंगी उंगी पहन के तेरी, देखो तेरी डांस चल रहा भाई, सारे एक ही कलर का ड्रेस कोड है ना, ये देखो बढ़िया चल रहा भाई, हाँ तेरी फुल डांस चल रहा भाई, सारे लुंगी ऊपर करके डांस रहा भाई, ये देखो भाई सर पे वो डाला हुआ है मटकी सबने, ये देखो भाई 5-5-10-10 चेने पहनी हुई है सबने, सोने की चेन भाई, ये देखो भाई आगे वैसा आगे, ये देखो भाई आगे घुसे, ये देखो मार दियो आंटी की साड़ी पे मार दिया भाई तो भाई ये देखो ये जलसा निकल रहा है भाई इनका, ये सर पे जो है ना एक बारी पास से दिखाऊं, ये देखो भाई कुछ है पेड़ सा कुछ है भाई, तुलसी के पत्ते क्या है, काय के पत्ते है मनीषा, ये पूजा की रसम है, माता आ रही है लक्ष्मी माता, मनीषा को देख रहे हैं, मनीषा के ना कपड़े देख रहे हैं क्या है क्या है, हाँ ये देखो सॉरी सारी लड़कियाँ, हाँ ये देखो सारी औरतें देख रही है भाई क्या है चल रहा है, ये देख रहे हाँ नीचे वन पीस में आई है ना मनीषा, सारे देख रहे हैं भाई, वो देखो हाँ हाँ ओनम ओनम के चक्कर में, तो भाई ओनम
कोई भी बच्ची बिच्ची नॉन वेज खाएगा। अच्छा नॉन वेज नहीं खाएगा देखो। अच्छा हाँ पूरा बड़ा बड़ा आएगा तो वो तो मरोगा। अच्छा 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 समझ मेरे को घंटा कुछ नहीं आया। ये तो अम्मन है। अच्छा ओमन। तो भाई अभी अपन कहीं जा रहे थे अपने को डांस दिखा भाई बढ़िया। आ जाओ आ जाओ चलो 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 चल गया भाई। भाई ये देखो ये फंक्शन चल रहा है लेडीज़ बुला रही है भाई ने देखना मनीषा वन पीस में आई है। देखो भाई मनीषा ने लगवा लिया टीका। हम मनीषा डांस करेगी भाई। डांस तो बढ़िया करा मनीषा मजा आ गया। हाँ भाई चलो चले आगे चलो चलो। अभी अपन जा रहे हैं धनुषकोडी। ये रास्ता कर रखा है बंद। नहीं बंद है बंद है बंद है बंद है अलाउड नहीं है भाई। धनुषकोडी रात को बंद कर देते हैं भाई। रामेश्वरम मंदिर है ना उसका द्वार है मेन द्वार सब बंद है। सुबह दर्शन करने आएंगे बट अभी ना भाई यहाँ का जो रात का नजारा है ना मनीषा हाँ। वो एपिक होता है। तो भाई अभी अपन आ गए हैं बीच के पास। कैसा लग रहा है मनीषा? अभी बीच के पास आया। बीच उस साइड है वो लेफ्ट में बीच ही तो है लेकिन अपन मंदिर की ना बैक साइड जा रहे हैं। वहाँ ना बहुत ज्यादा भीड़ है और मंदिर का द्वार बना हुआ है तो आपको दिखाता हूँ क्या। ये देखो भाई कितनी जोर भाई कुछ फेस्टिवल चल रहा है तगड़ा। हाँ वो रहा समुद्र मैं बोल रहा था ना तुम्हें। यहाँ समुद्र है। चलो पहले वहाँ देखते हैं या फिर यहाँ देखेंगे लोग बैठे हुए हैं। अभी मंदिर के जस्ट पीछे बैक साइड है अपन। ये देखो ये पूरा मंदिर है और यहाँ पे भाई नहाने की है भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे समुद्र में ऐसे नहाने का गंगा जी की तरह है। मनीषा सुंदर है। हाँ ये देखो भाई पूरा समुद्र के किनारे पूरा तट बना रखे हैं नहाने के लिए लोगों के और वहाँ मछुआ रहे हैं मछली मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ समुद्र में ना इतनी लंबी लहरें नहीं होती जैसे मैं उड़ीसा साइड गया था। हाँ उड़ीसा गया था या मुंबई गया था या गोवा गया था इतनी लंबी लंबी लहर। हाँ कोची में बहुत ऊपर ऊपर आ रही थी लेकिन यहाँ नहीं आया है ना यहाँ वो छोटी छोटी सी लहर। क्या पुलिस के जेड ब्लैक शीशे हैं भाई देखना मनीषा दिल्ली में बैन कर रखे हैं जेड ब्लैक शीशे हैं पुलिस। तो भाई अभी अपन आ गए होटल और भाई इतनी तेज आंधी आ रही है ना भाई रामेश्वरम में। ये देखो और ये हमारा होटल है गणेश पैलेस तो इसमें अपन रुके हैं। आंधी बहुत तेज चल रही है भाई है मनीषा। सो गाइस अभी अपन ने ले लिया है होटल और हमारे साथ हो गया बहुत तगड़ा स्कैम। बेसिकली अब मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है ट्रैवल कंपनी बहुत बड़ी फ्रॉड है। हमने तो देखो पैकेज लेके बहुत बड़ा धक्का खाया है उस बंदे से। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये फ्लूटो नाम की कंपनी है। फ्लूटो नहीं लूंगा यार एक बात बताओ जो मेरे साथ हुआ तुम चाहती हो लोगों के साथ वो भी कोई अगर मान लो कोई न्यूली मैरिड कपल हो उसके साथ ये कर दे। फ्लूटो एजेंसी का नाम है। इनकी एजेंसी स्क्रीन पे चला दी है मैंने। ये उस बंदे का नंबर है। क्या नाम है उस बंदे का? संजीव राठी। ये ओनर है उस बंदे का और दिल्ली में इनका ऑफिस है। तो होता क्यों है इसने अपने को अप्रोच करा कि भाई प्रमोशन कराना है हमसे लोग पैकेज लेते हैं आप ले लो पैकेज और प्रमोशन कर दो हमारा जो भी डील होनी ठीक है और मैं आपका स्टे पूरा कराऊंगा। अब हम ट्रैवलिंग में है ठीक है। हमने इनसे पैकेज ले लिया और हम ट्रैवलिंग कर रहे थे हाँ। अब पैकेज ले लिया। अब पैकेज के बीच में ये बंदा ना आना कानी करने लग गया। अब जैसे हम जैसे होटल में चेक इन करते चेकआउट करते फर्स्ट डे भाई होटल में गए वो कह रहा भैया आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। मैंने मनीषा को बोला मैंने क्या सीन है फिर इसने उसको बंदे को फोन करा संजीव को फिर कह रहा अच्छा मैडम अच्छा ठीक है ये ना देखो चेक इन तो हम तो ट्रैवलिंग में ना कितना भी टाइम लग सकता है तो लेट नाइट हो गया था अराउंड 12 बजे के करीब। तो ये कह रहा था कि मुझे इस टाइम पे ना कोई फोन नहीं करता मेरा फैमिली टाइम है ऐसा उसने बोला मुझे। बताओ अबे भाई तेरा कोई भी टाइम हो तू चेकिंग करा के डाल देना हम चाहे 6 बजे जाएं 8 बजे जाएं 10 बजे जाएं 12 बजे जाएं चाहे 2 घंटे के लिए जाएं तेरा काम है वो तू करके रख। अगर कोई तुझसे पैकेज लेगा भाई तो तू ये करेगा आप इतने बजे गए इतने बजे अब मैं आगे बुकिंग डालूंगा कि नहीं डालूंगा। तो भाई ये टोटल फ्रॉडिया था। फिर क्या हुआ ऐसे करके एक दिन हुआ दो दिन हुआ बहुत मुश्किल से फोन उठा रहा अब हम पे होटल की डिटेलिंग कहाँ जाना है क्या क्या करना है कुछ नहीं पता। जो हमें आइटनरी में होटल के नाम लिख के दिए थे ना वो होटल में तो हमने स्टे ही नहीं करा वो कोई और ही होटल निकाल के मतलब सस्ते निकालता था हमें दिखाए वहाँ कोई और होटल रूम ऐसे थे जिसमें सीलन आ रही है और स्मेल है और क्या क्या था उसमें होटल में
मधु थी बेसिकली। हाँ, वो नहीं थे मतलब वो और डिनर नहीं देता था। बात करी थी कि भाई डिनर दूंगा मैं, डिनर ही नहीं दिया। अभी ये कह रहा फिर तो ब्रेकफास्ट ही है। मैंने कहा भाई ये चीज तूने बोली थी, अब गलती मेरे से होगी, मैंने मेल पे नहीं ली क्योंकि मेरे पे शॉर्ट टाइम था। नहीं तो हम जब कंपनी से डील करते हैं सब मेल पे लेते हैं ना कि भाई क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर क्या होने लगा, हाँ फिर एक दिन तो ऐसा आया जब हम थेकड़ी में थे, बंदे ने हम चेकआउट करके बैठे हैं, वो कह रहा मैं नहा रहा हूँ, फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, डेढ़ घंटे दो घंटे होटल के बाहर बैठे चेकआउट करके, होटल वाला मैं जाने नहीं दे रहा, पैसे नहीं आए तो हम जाने नहीं देंगे। अब वो फोन नहीं उठा रहा, फिर उसने दो घंटे बाद पैसे होटल वालों को डाले, फिर होटल वालों ने हमें छोड़ा। फिर उसके बाद तो उसने फोन नहीं उठाना बंद कर दिया कि भाई आप कौन है, मैं होटल की बुकिंग है, मैं होटल में खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई होटल खाली हो, कह रहा नहीं सर हम खाली फुल है, ये है वो है। हाँ भाई कौन है, मैं वो कह रहा हूँ होटल में खड़ा हूँ, कह रहा सर बुकिंग फुल है। मैंने भाई जब तूने बात करी बीच में उठाना, तो फोन कैसे बंद कर सकता है भाई, तो एक लड़का और एक लड़की यहाँ पे इतनी दूर आ रखे तेरे भरोसे। फिर उसने बंदे ने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर क्या है, आधे तीन चार दिन का उसने करा था, मैं मना नहीं कर रहा, उसने करा है, लेकिन फिर मैंने प्रमोशन भी दिया, फिर वो बहाना मारने लग गया प्रमोशन ऐसा है वैसा है। फिर क्या हुआ, उसने फोन ही उठाना बंद कर दिया। अब देखो आप, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, हम इसको कॉल कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हम जब रामेश्वरम पहुंचने वाले तब भी फोन नहीं उठा रहे। यार ये बंदा ये नहीं देख रहा कि भाई एक लड़की मेरे साथ है, एक इन्फ्लुएंसर हूं मैं, और मेरे को कुछ पता नहीं, मैं पहली बार आया हूं, अब ये मेरे साथ कर रहा है। मान लो कोई न्यूली कपल आया या किसी ने अपना दादा दादी को पैकेज लेके भेजा घुमाने, फिर क्या होगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, टोटली फ्रॉडिया कंपनी हमारे साथ हो चुका है, स्कैम बहुत बड़ा। फिर होता क्या है, दो दिन बाद, एक्चुअली क्या ये वीडियो तीन दिन बाद डाल रहा हूँ मैं, तो इसमें वो वाला पार्ट भी इंक्लूड करूंगा जो अगले दिन अपन ने करा। भाई ये ना फोन नहीं उठा रहा बंदा, मैंने आकाश को बोला, मैंने आकाश तू कॉल कर इसको और बोल कि भाई गौरव जोन की वीडियो देख के आपका से पैकेज लेना और देखते तेरे से क्या बोलता है। अगर तेरे को इंटरेस्टेड हो के बताने लगा ना, हो सकता है देखो एक बंदा चलो फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई मर गया, इस चक्कर में फोन नहीं उठा रहा। अगर तू आकाश फोन कर रहा, तेरे को एंटरटेन कर रहा है, इसका मतलब मेरे से कट रहा हो। तो मैंने आकाश को वही करा और आकाश ने फोन करा और उस बंदे ने फोन उठा लिया और पैकेज बता रहा, पीछे से मैं बोल पड़ा और हमारी बहुत तगड़ी बहस हुई। जो मैंने, मेरे को जितनी भी गुंदक थी ना भाई मनीषा को रिगार्डिंग, मनीषा को लेके भाई मैं बहुत टेंस था, मैंने उसको बहुत बुरा बुरा बोला। आप लोग बोलोगे भाई कि आप गौरव भाई कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो, ये कैसे बोल रहे हो उसको, भाई आप समझ सकते हो हम घर से इतनी दूर है, मेरे साथ एक लड़की है, वो तो भगवान का शुक्र है कि भाई एक मेरे को कार एजेंसी मिल गई ईवीएम व्हील्स, उनको मैं स्पेशल शाउट आउट दूंगा भाई। उनकी जो गाड़ी थी ना मेरे पे, मतलब गाड़ी होना बहुत बड़ी चीज होती है, आदमी गाड़ी में सेल्फ मारे कहीं से कहीं भी निकल लेता, गाड़ी में सेफ भी रहता, कहीं जगह नहीं मिली गाड़ी बंद करके गाड़ी में सो गई, कहीं अच्छी जगह होटल में लगा के रिजॉर्ट में लगा के, है ना। तो गाड़ी थी, अगर गाड़ी नहीं होती ना भाई हालत खराब थी, क्योंकि यहाँ 9 बजे के बाद ना खाने को ना पीने को ना टेम्पू ना होटल ना कुछ। अब गाड़ी थी तो हम चार जगह चार होटलों में भटक लेते थे, है ना, इधर से उधर ट्रेवल कर लेते थे और रात में भी ट्रेवल करा, बड़ा सेफ्टी से करा है। तो वो चीज है भाई, इसलिए मैं बहुत खुंदक में था भाई, इस बंदे को फोन करके इतना प्यार दो मुझे नहीं पता भाई। और इस बंदे की कंपनी के ना गूगल रिव्यूज डाल दो कि दिस कंपनी इज फ्रॉड, पैसे लेके खा जाती है बंदों की और ये फोन उठाना, इसके गूगल रिव्यू बिगाड़ दो भाई, मुझे नहीं पता भाई। तुम्हें अपनी बहन की कसम, माँ की कसम भाई, मेरे को मनीषा की कसम है भाई, इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कल को कोई और कपल या कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भेजे, ये बंदा उसके पैसे ना खा जाए भाई, टोटली फ्रॉड आदमी। जो हमारे ऐसे यूट्यूबर के साथ ऐसे कर रहा हूं, मेरे से कहता कि भाई ऑनलाइन लड़ाई नहीं लड़ता ऑफलाइन, मैंने कहा साले भूत बना दूंगा तेरा, तू ऑफलाइन हो चाहे तू ऑनलाइन हो, जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है। और कह रहा हूं मैं इसके अभी दिल्ली जाके ना इसके अगेंस्ट FIR करूंगा गाइस, जाके अभी देखना इसके क्या हालत करता, इसके कच्चे फाड़ दूंगा मैं। तो वो चीज है भाई, तो यही था भाई। अब देखते हैं भाई आगे की कैसे जर्नी करनी है, कैसे करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ यार, जैसे तैसे होटल मिला बट गाड़ी है कहीं ना कहीं तो मैनेज हो ही जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं भाई, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ इस बंदे की कंपनी और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, इसको अप्रोच करो, कुछ भी करो, इसको फोन करके दुखी कर दो और इसके गूगल रिव्यूज में जरूर लिखो भाई कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है।